अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इसमें दुनिया ने कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। कितनी तेजी से हम लोगों ने एक टेलीविजन से कीपैड और कीपैड को स्मार्टफोन में बदलते हुए देखा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमें कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हुए स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए आज हम आपके लिए 7 कमाल के फ्यूचर स्मार्टफोन लेकर आए हैं जो आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1, ब्रेसलेट फोन। अब तक हम फोन को अपने हाथों में पकड़कर चलाते आए हैं, लेकिन कुछ सालों में हमें एक ऐसा अजीबोगरीब फोन देखने को मिल सकता है जो ब्रेसलेट टाइप में होगा। इस ब्रेसलेट को पहनकर जैसे ही हम अपने हाथ को हिलाएंगे, एक स्क्रीन हमारे हाथ पर आ जाएगी और वह हमारे स्मार्टफोन की तरह ही वर्क करेगी। इसे आप अपनी उंगलियों से भी चला पाओगे, किसी से भी स्मार्टफोन की तरह कॉल पर बात कर पाओगे और जैसे ही आप अपने हाथ को दोबारा से हिलाओगे, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। कंपनी इस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रही है। उनका कहना है कि वे इस कॉन्सेप्ट को जल्दी पूरा कर इस तरह के फोन को लॉन्च करेंगे। आपका क्या कहना है, क्या इस तरह के स्मार्टफोन को बनाना पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 2, स्लाइडिंग फोन। अभी कई सारी कंपनियों ने फोल्डेबल फोन को लॉन्च किया है, लेकिन सैमसंग कंपनी एक स्लाइडिंग स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, जिससे आप स्लाइड करके फोन की स्क्रीन को बड़ा या छोटा कर सकते हो। इससे आप जब बड़ा करते हो तो ये एक टैबलेट की तरह हो जाता है। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक फोन है जो आपको कुछ सालों में देखने को मिल जाएगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस फोन की बात हो रही है। इस फोन से आप आर पार देख सकोगे, क्योंकि ये फोन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। कई कंपनियां ऐसे फोन बनाने के विचार में हैं जो ट्रांसपेरेंट हो। अभी तो ऐसा फोन बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, उम्मीद है कि ये फोन हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, सैमसंग गैलेक्सी S30 प्लस। सैमसंग कंपनी ने बताया है कि भी अभी एक ऐसे स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जो नीचे से गोलाकार का होगा, जो पकड़ने में भी काफी अच्छा रहेगा। इसकी स्क्रीन 6.2 इंचेस बड़ी होगी। इसमें हमें 100 TB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा होता है। और भी कई सारे फीचर्स हमें इस फोन में देखने को मिल सकते हैं। इस फोन को फ्यूचर के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। नंबर 5, LG बिंग। अगर हम बात कर रहे हो एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो इस फोन का वीडियो में आना बहुत जरूरी है। इस फोन में आपको तो स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें से इसकी एक स्क्रीन रोटेट होती रहती है। इस फोन को LG की कंपनी ने डिजाइन किया है, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंपनी है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और 8 GB की रैम देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके स्क्रीन की लंबाई की बात करें तो वो 6.4 इंचेस की है। ये फोन बाजार में लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत इंडिया में करीबन 60,000 की है। क्या आप इस फोन को लेना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर। नंबर 6, सैमसंग गैलेक्सी जीरो। सैमसंग कंपनी ने एक ऐसा फोन तैयार किया है जिसमें एक भी बटन नहीं है, मतलब ये फोन बिना किसी बटन के ऑन ऑफ हो जाता है। और इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात ये है कि जब आप इस फोन को उल्टा करके रख दोगे, तो इस फोन के पीछे की तरफ भी स्क्रीन आ जाती है। इस फोन की स्क्रीन 6 इंचेस बड़ी होती है। और ये फोन लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत भारत में 80,000 है। नंबर 7, लेनोवो सी प्लस। लेनोवो कंपनी ने एक ऐसा फोन लाने का वादा किया है जो बेंड होकर आपकी कलाई पर बंध जाएगा। जब इस फोन को पहली बार दिखाया गया था, तब इस फोन को फोल्ड करते ही इसकी स्क्रीन पर क्रैक आ गया था। इसीलिए इस फोन को रिजेक्ट कर दिया था और दोबारा से डिजाइन करने के लिए कहा गया था। अब देखते हैं कंपनी इस फोन में ये सुधार कर पाएगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ से जाने से पहले ये जरूर बता के जाना कि आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहोगे।